सबसे पहले बात कृषि विधेयकों को लेकर एनडीए में मचे उबाल की। मोदी कैबिनेट से हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद से ही कृषि विधेयकों के विरोध में एनडीए में उबाल मचा हुआ है। हालांकि पीएम मोदी ने कृषि विधेयकों को किसान हितैषी बताते हुए कहा है कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। कृषि विधेयकों को लेकर एनडीए में पड़ी फूट। हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के साथ ही एनडीए में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कानून को किसान हितैषी बताया और कहा कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। कृषि संबंधी तीन अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने संबंधी विधेयकों पर हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफा देने के साथ ही एनडीए में फूट पड़ गई है। हालांकि विधेयक पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में इसे किसानों के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे किसानों को नए अवसर मिलेंगे, नए विधेयक से किसानों का मुनाफा और ज्यादा बढ़ेगा, एमएसपी और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। इसी के साथ पीएम मोदी ने कहा कि कई लोग किसानों को गुमराह करने में लगे हुए हैं। इससे पहले लोकसभा में विधेयकों पर चर्चा के दौरान अकाली पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे की घोषणा की थी। इसी के साथ कृषि विधेयकों के खिलाफ जारी विरोध सड़क के बाद संसद और सरकार तक पहुंच गया है। हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि मैंने किसान विरोधी अध्यादेशों और विधेयकों के खिलाफ कैबिनेट से इस्तीफा दिया है। किसानों की बहन और बेटी बनकर उनके साथ खड़े रहने पर मुझे गर्व है। इसके बाद पीएम मोदी की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा मंजूर कर लिया और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया। दरअसल कृषि विधेयकों के खिलाफ अकाली पार्टी के रुख ने एनडीए में दरार डाल दी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा है कि इन विधेयकों का पंजाब हरियाणा सहित उत्तर भारत के 20 लाख किसानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये कृषि क्षेत्र में पंजाब सरकार की 50 साल की मेहनत तबाह कर देंगे। इसके प्रावधान किसान विरोधी हैं। हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पार्टी एनडीए सरकार को समर्थन जारी रखेगी। अब इसी को लेकर विरोधी हमलावर हैं और हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे को मजबूरी में उठाया गया कदम बता रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल को अपने सांसद सदस्यता से इस्तीफा देकर एनडीए से बाहर आने की चुनौती दी है। बहरहाल एनडीए के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल से मोदी सरकार में केवल हरसिमरत कौर ही शामिल थी। वे सरकार से बाहर तो हो गई हैं, लेकिन कृषि विधेयकों पर शुरू हुआ विरोध और जोर पकड़ चुका है। पंजाब हरियाणा के किसान कई दिनों से इन विधेयकों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जाहिर है नए कृषि कानून के खिलाफ हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे ने एनडीए में दरार को उजागर कर दिया है, लेकिन अभी भी बड़े सवाल हैं कि क्या अकाली दल एनडीए से नाता भी तोड़ेंगे, क्योंकि विरोधी दबाव बना रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावे की लड़ाई है। असली लड़ाई तो तब मानी जाएगी जब अकाली दल एनडीए से पूरी तरीके से अलग हो जाएं। कैमरामैन रविंद्र सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।